हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे जिसमें कि आप घर पे बैठ के अपने मोबाइल फोन से, नहीं तो लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, कंप्यूटर से अपने घर पे बैठ के पासपोर्ट साइज का फोटो कैसे बना सकते हो, वो भी प्रोफेशनल टाइप का। मतलब एक प्रोफेशनल टाइप का, जैसे सीवी में आप यूज करते हैं, नहीं तो कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स में देना है, एप्लीकेशन बनाना है, तो उसमें कैसे पासपोर्ट साइज आपका फोटो कैसे यूज कर सकते हैं। आपको कोई मतलब शॉप में जाने की जरूरत नहीं, कोई भी फोटो स्टूडियो में जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर पे बैठ के ऐसे एक AI टूल के बारे में बताऊंगा जो AI यूज करके आप अपने घर पे बैठ के मोबाइल से भी आप अपने पासपोर्ट से के फोटो कैसे बना सकते हैं। ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मोबाइल फोन से कैसे सेम चीज़ कर सकते हैं, मोबाइल फोन से कैसे पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हैं। तो सिंपल उसमें बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल जाना पड़ेगा गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में जाने के बाद ना आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में जैसे जाएंगे ना आपको क्या करना है, आपको सिंपल वहाँ पे सर्च करना है कि कटआउट प्रो सर्च करना है। ओके, देखिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि कटआउट प्रो। ओके, याद कर लगे ये AI टूल है। तो आपको क्या करना है, इन पर सिंपल क्या करना है, कटआउट प्रो आ जाएगा ना, आपको यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको ऊपर डायरेक्ट ऊपर जाना है, ऊपर आपको दिख जाएगा कि पासपोर्ट फोटो मेकर दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है पासपोर्ट फोटो मेकर, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है सिंपल, ठीक है ना। उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ना आपको यहाँ पे मतलब ऐसे वाला मतलब कॉटर प्रो का ऐसे वाला एक AI टूल्स का एक इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। आपको सिंपल यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑप्शन दिख रहा होगा कि आपको यहाँ को आपको ना यहाँ पे फिर से आपको एक बार लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है ना अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ना आपका फाइल में खुल जाएगा, आपको एक मतलब आपका एक फोटो लेना है, जो भी आपका अच्छा वाला फोटो है, रेंडम फोटो चूज करना है। ओके, फोटो चूज करने के बाद आपको देखिए जैसे फोटो चूज करना है आपके सामने ऐसे वाले इंटरफेस खुल कर आ गया, ठीक है। अभी आपका देखिए आपका फोटो मतलब बैकग्राउंड कुछ भी रहेगा चलेगा, आपको मतलब गंदा फोटो रहेगा तभी चलेगा, लेकिन ब्लर नहीं होना चाहिए। ब्लर होगा तो आपको दूसरे में जाके एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फोटो अपलोड करते फिर आपको दिखेंगे यहाँ पे मतलब बैकग्राउंड दिख जाएगा, नीचे आपको कस्टम दिख जाएगा। सिंपल आप जाएंगे बैकग्राउंड में जाएंगे आपका यहाँ पे ना आपको जो भी बैकग्राउंड आपको चाहिए ना, ब्लू में चाहिए, व्हाइट में चाहिए, ब्लैक में चाहिए, रेड में चाहिए, ग्रीन में चाहिए, जो भी कलर का आपको बैकग्राउंड चाहिए ना आप यहाँ पे आपका अपना बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। सिंपल आपको मतलब कोई बोलता है ना नहीं आपको व्हाइट बैकग्राउंड वाला फोटो पासपोर्ट साइज फोटो चलेगा, नहीं तो ब्लू में चलेगा, तो आप सिंपल यहाँ पे बैकग्राउंड आपका चूज कर सकते हैं। देन आपको नीचे कॉस्ट्यूम का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो कॉस्ट्यूम में जाने के बाद ना आपको यहाँ पे ना कॉस्ट्यूम मतलब आपको कोई भी आप ड्रेस मतलब टी शर्ट पहने हो तो कोई भी कैजुअल ड्रेस पहने हो उसको हटा के अपना प्रोफेशनल लुक दे सकते हो। मैं भी कोई भी आपका सूट चूज करके देखिए मैं यहाँ पे चूज किया हूँ। जैसे चूज किया हूँ देखिए मेरा ऊपर ना मतलब कॉस्ट्यूम को मेरा शर्ट के ऊपर एक मतलब सूट का मतलब सूट आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपको मतलब प्रोफेशनल लगे, अगर आपको कोई भी CV अपलोड करना है, नहीं तो कोई भी रिज्यूमे देना है, नहीं तो कोई एप्लीकेशन का मतलब कोई भी जॉब का फॉर्म भरना है, तो आपको क्या उसमें क्या करना पड़ता है कि आपको प्रोफेशनल टाइप का एक पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ता है। आपको टी शर्ट में नहीं चलेगा, कैजुअल लुकिंग में नहीं चलेगा। आपको क्या होता है कि आपके इसमें जो भी आपका फोटो अपलोड करें उसी हिसाब से आपका फिट होकर मतलब ऑटो फिट होकर एक कॉस्ट्यूम मतलब आपको दे देगा, ठीक है। आपको इसमें कोई भी मतलब कटआउट नहीं करना है, फिर से आपको एडिट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब आप इसमें कोई भी कैसे भी फोटो डालिए आपका मतलब आपका नेक के हिसाब से, आपके शोल्डर के हिसाब से वो अपना अपने आप मतलब ऑटो फिट करके एक कॉस्ट्यूम दे देगा, अपलोड कर देगा, ठीक है। देखिए मैं वाला ये वाला फोटो मैंने अपलोड कर दिए मतलब चूज कर लिए ये वाला कॉस्ट्यूम। देन मुझे क्या करना है, सिंपल इसको ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद आपको दिख जाएगा कि मेंस का दिख जाएगा, अगर आप वुमेन है तो वुमेन का भी आपको दिख जाएगा, कॉस्ट्यूम दिख जाएंगे यहाँ पे, चिल्ड्रंस का भी दिख जाएगा। सिंपल आपको कोई ये नहीं है कि मैं वुमेन्स को करके मेरे लिए कॉस्ट्यूम नहीं है, ऐसे कोई नहीं, वुमेन्स का भी आपको यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ओके, चिल्ड्रंस का भी चूज कर सकते हैं। देन आपको बैकग्राउंड भी चूज कर सकते हैं। सिंपल इसमें कोई ज़्यादा बड़ा लंबा प्रोसेस नहीं, बस आपको यहाँ पर आपको कॉस्ट्यूम चूज करना है, बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। ओके, बस अच्छा वाला फोटो होना चाहिए आपका। देन आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ऊपर वाला जाएंगे ना यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि पेपर साइज दिख जाएगा, यहाँ पर कस्टम साइज दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल देखिए मेरा कस्टम साइज है 3.5x4.5, मेरे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, तो मुझे क्या रखना है कॉमन साइज में रखना है। आपको देखिए मैं कॉमन साइज दूसरा में साइज चेंज करवाना, इसमें क्या फर्क दिखेगा देखिए। जैसे मैंने सेकंड वाला साइज चूज किया ना 2x2 इसका, तो इसमें क्या रेशियो होगा, तो इसमें देखिए मेरा ना थोड़ा सा वाइड हो गया, मतलब ये पासपोर्ट साइज फोटो लग नहीं रही है। ओके, तो आपको देखिए मैंने ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट साइज चूज किया, तो इसमें देखिए इसमें भी आपको क्या लगेगा, अलग थोड़ा लगेगा। तो आपको क्या करना, सिंपल आपको नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, आपको ऑस्ट्रेलिया का, अर्जेंटीना का, ब्राज़ील का, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ब्राज़ील का, सॉरी बेल्जिका, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जैसे आप मतलब क्लिक करेंगे देखिए आपको थोड़ा सा वाइड होकर आ गया। आपको सिंपल कुछ नहीं करना यहाँ पे, मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल ऊपर दिखाए ना कॉमन साइज में 3.5x4.5 सेंटीमीटर में उसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है ना वो सेम डाइजेस्टेज आ जाएगा। ओके, उस पर क्लिक करना है। देन आपको ऊपर देखना पेपर साइज। ओके, पेपर साइज क्लिक करेंगे ना आपको यहाँ पे मतलब कितना पीसेज चाहिए, एक पेपर में कितना पीस चाहिए फोटो, तो देख सिंगल फोटो दिख रहा है अभी, देख रहे यहाँ पर दिख रहा है कि चार फोटो आ जाएगा, नीचे वाले चूज करें चार फोटो आ जाएगा। सिंपल फिर से आप ऊपर जाएंगे, फिर से पेपर साइज में आपको नीचे 6x4 देखेंगे तो आपको यहाँ पे कितना आएगा, 8 फोटो आ जाएगा, 8 मतलब आपका मतलब एक पेज में 8 पासपोर्ट साइज फोटो आ जाएगा। ओके, देन आपको फिर से आपको ऊपर जाएंगे, आपको दिखेगा आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखने, एक फोटो में 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना आएगा मेरा,
मतलब 9 फोटो से आगे एक पेपर है, मुझे 9 फोटो से आगे, देन आपको जैसे नीचे नीचे चूज करना, आपको जैसे मतलब एक पेज में ना फोटोज बढ़ते जाएंगे सिंपल। मतलब आपको जाके आपको जितने फोटो चाहिए ना, मतलब आपको अब जगह अभी अब स्टूडियो में जाएंगे, फोटो स्टूडियो में आपको जितने फोटो चाहिए ना उतने मतलब पैसे ज़्यादा लेते, मतलब फीस ज़्यादा चार्ज करते आपको। सिंपल स्टूडियो में जाने कोई झंझट नहीं, आप अपने घर पे बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन से अपने लैपटॉप से सेम एज इट इज़ काम कर सकते हैं। अपने जितने फोटो चाहिए एक पेपर में, मतलब ए4 साइज पेपर में जितना फोटो चाहिए आपको, और जैसे भी कस्टम चाहिए, जैसे भी बैकग्राउंड चाहिए, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आपको कोई चार्ज करने का नहीं, बस आप अपने मतलब फोटो चूज कर दीजिए और आप मतलब अपने स्टूडियो में जाके मतलब बस प्रिंट निकाल ले, प्रिंट का जो भी चार्ज होगा वो ले लेंगे। ठीक है, मेरे को सिंगल चाहिए तो सिंगल में कनेक्ट कर दिया। सिंगल करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए मेरा मतलब मेरा जो जैसे भी चाहिए कस्टम, जैसे मुझे बैकग्राउंड चाहिए मैंने कर लिया। यहाँ पे आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं। आपको सिंपल इसको सेव करने के लिए मतलब डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, सिंपल नीचे दिख रहा है मतलब ऊपर दिख रहा होगा ना डन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देखिए मेरा फोटो पूरा कंप्लीट हो गया, डन का ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर, सिंपल वहाँ पे जाके डन कर देना है। ठीक है, जैसे डन करेंगे ना आपका मतलब फोटो देखिए दिख रहा है, ओरिजिनल दिख रहा है, देन आपका साइड में दिख रहा है रिजल्ट दिख रहा है। मतलब आपका पहले ओरिजिनल ऐसे था, देखिए बैकग्राउंड ऐसे था आपका, मतलब नीचे का थोड़ा शोल्डर कटा हुआ था, अब इसमें क्या हो गया मतलब आपका टी शर्ट का कलर भी अलग था, इसमें क्या हो गया आपका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, प्रोफेशनल वाला एक मतलब सूट भी आ गया, देन आपका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया और आपका मतलब पासपोर्ट से फोटो भी रेडी हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिंपल डाउनलोड जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन, मोबाइल में कैसे बनाएं। ठीक है, तो मोबाइल में जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको सेम काम करना है। मतलब आपको मोबाइल में दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ले लें, आपको क्या करना है गूगल में जाना है, गूगल में सेम चीज़ सर्च करना है, कटर प्रो सर्च करना है। ठीक है, कटर प्रो सर्च करना, देन आपको दिख रहा है सेम एज इट इज़ बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना, सिंपल ऊपर दिख रहा होगा पासपोर्ट साइज फोटो मेकर दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है ना पासपोर्ट फोटो मेकर दिख रहा होगा ना, इसके ऊपर क्लिक कर देना सिंपल उस ओके उसको भी जैसे क्लिक करना आपको इसमें सेम एज इट इज़ आ जाएगा, आपको कोई घबराने जरूरत नहीं। मैं बस आपको बता देता हूँ कैसे करना है। फिर आपको क्या करना, अपलोड करना है, अपलोड इमेज में जाके आपका जो भी फोटो ले लेना है, मतलब अच्छा वाला फोटो लेना है, बिना ब्लर हुआ बना मत लेना, क्योंकि ब्लर में आपको थोड़ा सा फेस का एडिटिंग करना पड़ सकता है, उसमें आपको अगर चाहिए एडिटिंग कैसे ब्लर का कैसे हटा तो मैं आपको बता सकता हूँ, मतलब नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा। ओके, तो देखिए मैंने फोटो अपलोड कर दिया यहाँ पे, अभी मैं क्या करूँगा इसमें सिंपल मैं जाऊँगा बैकग्राउंड में, मुझे कौन सा बैकग्राउंड कलर चाहिए। ओके, मुझे मतलब आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ग्रीन, रेड, ब्लैक, ब्लू, ओके, वाइट सब मिल जाएंगे, तो एक आपका हिसाब से एक भी मतलब बैकग्राउंड कलर चूज कर लीजिए। फिर आपको जाना है कॉस्ट्यूम में, जाने का ना आप इसमें ना बहुत सारे मतलब आप कैजुअल शर्ट ले सकते हैं, मतलब प्रोफेशनल ले सकते हैं, कुछ भी मतलब ले सकते हैं मतलब। ओके ठीक है, मैं अभी मैं ले लिया, मतलब इसमें से आपको देख के कोई भी एक मतलब फोटो चूज कर देना है, मतलब कोई भी एक इमेज मतलब कॉस्ट्यूम का इमेज चूज करना है। लेकिन आपको लगेगा कि इसमें मैं कोई भी चूज कर लूँ तो नहीं होगा ना, मतलब थोड़ा एड़ा तड़ा हो जाएगा, शोल्डर इधर आ जाएगा उधर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है वो ना, ये एआई ना अपने शोल्डर के हिसाब से, अपना नेक के हिसाब से ना अपने आपका मतलब अपना जो सूट है जो चूज करेंगे ना उसको मतलब फिट कर देता है। मतलब ऐसे नहीं लगता कि एडिटिंग किया गया, ऐसे लगता है कि मतलब एडिटिंग मतलब पहना ही है। ओके, ओरिजिनल लगता है पूरा सिंपल। देखिए मेरा कैसे मैं ले लूँगा ना, तो मेरा मतलब मेरे हिसाब से, मेरा मतलब लुक के हिसाब से, मतलब मेरा फेस के हिसाब से मतलब सिंपल सूट कर देता है। ठीक है ना, अभी मैं कोई भी एक देखिए मेरा मैंने व्हाइट शर्ट लिया तो व्हाइट भी मेरे मतलब पूरा एज इट इज चूज कर लिया, मतलब सेट कर लिया, ऐसे मतलब नहीं कि मतलब मेरे शोल्डर के हिसाब से इधर थोड़ा आगे उधर थोड़ा आगे, ऐसे कुछ नहीं है। इसलिए ए आई ना बहुत मतलब चल रहा है इसमें, मतलब ज़्यादा ट्रेंडिंग में। अभी इसमें देखिए मैं ये वाला सूट चेंज कर लिया, चूज कर लिया, देन आपको सिंपल क्या करना, फिर से फोटो स्पेसिफिकेशन में जा सकते हैं आप, फिर पेपर से देखें फोटो स्पेसिफिकेशन में क्या मिलेगा आपको, आपको सेम मतलब जो भी आपको अगर व्हाइट में चाहिए फोटो तो वाइड में ले सकते हैं, आपको मतलब साइज मतलब चूज करना चेंज करना है तो साइज अपने चेंज कर सकते हैं सिंपल। ओके, तो देन आपको मतलब जो भी आपको चाहिए, मतलब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपका फर्स्ट वाला है ना कॉमन साइज में लेना है, कॉमन साइज वाला ऑप्शन चूज करना है। देन आपको पेपर साइज में देखिए आपको मतलब बहुत सारे जैसे दिखाया था मैंने कंप्यूटर में, सेम एज इट इज आपको मोबाइल में आ जाएगा, आपको कंप्यूटर आपका नहीं होगा तभी चलेगा, आपको मोबाइल में आप मतलब चूज कर सकते हैं। आपको जितना भी फोटो चाहिए एक पेज में, आपको 10 चाहिए, 12 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, जितना भी चाहिए आपको आ सकते हैं सिंपल। तो यहाँ पे मैं मतलब फोटो चूज कर देना, देखिए आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, एफ आई में कितना चाहिए, 6:4 में कितना चाहिए, 7:5 में कितना चाहिए, आपको मतलब बहुत सारे ऑप्शन चूज, मतलब आपको दुकान में जितना भी मतलब शॉप में स्टूडियो में जितना भी चाहिए ना आप वहाँ से जैसे ले सकते हैं अपने मन के हिसाब से। यहाँ पे आप अपने मन के हिसाब से उतना चूज कर सकते सिंपल, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। अब मैं आगे देखिए मैं ये वाला फोटो मैंने चूज किया, मैंने मेरा सिंगल फोटो मैं चूज करूंगा क्योंकि मुझे सिंगल चाहिए अभी, तो मैं सिंगल चूज कर देना, आपको डन कर देना है। डन के बाद आपको यहाँ पे देख जाएगा डाउनलोड एच डी दिख जाए, देखिए मेरा फोटो पूरा आ गया अच्छे से आ गया, मतलब चूज होके मतलब क्या अपडेट हो गया कि तो मैं डन करूँगा डाउनलोड करूँगा ना, तो मैं देखिए मैं डाउनलोड जैसे क्लिक करूँगा ना मेरा डाउनलोड हो जाएगा अपने मतलब गैलरी में जाकर सेव हो जाएगा। देखिए मेरा डाउनलोड हो गया, ऊपर में जाकर फिर क्या करूँगा ओपन करूँगा। ठीक है, देखिए ओपन करूँगा तो मेरा एच डी जैसे मैंने फोटो मतलब ये किया था ना मतलब एडिट किया था ना उसके हिसाब से मेरा मतलब आ गया। ठीक है, तो दैट्स इट।
इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपको कोई स्टूडियो जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपने घर पे बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन से अपने लैपटॉप से आप अपना अपने हिसाब से सूट से चेंज करके अपना बैकग्राउंड चूज करके जैसे भी अपने मन से, मतलब आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हैं। आपको कितना पीसेस चाहिए, अभी आपको दुकान में जाएंगे तो जैसे पीस बढ़ेगा वैसे रेट भी बढ़ते जाते और आपको देने के लिए भी टाइम लगाते वो लोग। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, घर पे बैठ के आप चेंज कर सकते, सिंपल दैट्स इट। तो इसमें अगर कुछ भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।